Sim, eu vou buscar. Aí que não é isso. पहले आपसे ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी पहली बार. राजस्थान में कहाँ रहते हैं सर? आप तो मोबाइल में देखते हैं उससे भी ज्यादा. अरे चलिए, आपने पॉजिटिव चीज शुरू की है. अच्छा जी, पॉजिटिव क्यों हुई है? आपको सबसे पहले कब पता चला था कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है? ये सर जब 2013 की है या 8 की रिपोर्ट है, जब मैं कंटिन्यू कभी भी जब मेरा एमआईपीआ डिस्क्राइब किया था, डायग्नोस किया था जब सबसे पहले, उसके बाद में मेरा लगभग डॉक्टर से संपर्क बना ही था. तो रेटना चेक होता था, हाई मायोपिया में रेटना भी चेक कराया जाता है? तब नहीं करवाया था, पर जब से जोधपुर में मैं एएसजी में करवाना शुरू किया, उससे पहले भी मैंने करवाया सर रेटना चेक. तो 2007 में 2008 में या 2013 में शायद, ठीक है, तब पता चल गया. पहली बार जब मैं करवाने गया था लेजर सर, उतरवा देते, ठीक है, उन्होंने उससे पहले जो टेस्ट किए ना, तो टॉर्च से जो टेस्ट करके देखा कि आपको आरपी है, तो मैं घबराया तो बहुत. और उसके बाद जब मेरा 2017 में इस आंख में कैटरेक्ट जी डायग्नोस हुआ, उन्होंने कहा आप करवा दो. उनका सर आपकी हॉस्पिटल ने मुझे पहले आरपी डॉक्टर डायग्नोस किया था, तो उन्होंने कहा अगर उस समय की बात है, अगर आपके आरपी होता तो आज तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती होती, आपको सिर्फ लाइट जैसा ही दिख रहा होता. नहीं तो हाँ, सिर्फ लाइट जैसा दिखना 55-60 साल की उम्र तक खराब होती है इतनी. अच्छा सर, ये उन्होंने अनजाने बन में ये बात की. हाँ, वो मुझे भी लगा सर ऐसा नहीं. फिर मैंने ऐसा भी सोचा कि आज जैसा कि आपने वीडियो में बताया, आरपी आरपी की भी बहुत फॉर्म्स होती है सर, कई प्रकार, इतनी ज्यादा प्रकार कि हम आपको बता नहीं सकते, मतलब कम से कम 200 प्रकार. 200 प्रकार इंडायरेक्ट हो जाएगा इनका पीपल लाइट ऑफ. बहुत आशा थी तब से 1000 किलोमीटर से. झूठी आशा नहीं दिलाएंगे आपको, जो वास्तविकता है वो जरूर करेंगे. ये वाली आंख से इधर से इधर की तरफ कोने की, मेरे कंधे की तरफ, मेरे कंधे की तरफ जहां मेरा कंधा होना चाहिए वहां. तो अब हमने आपको जो सबसे जरूरी जरूरी हिदायतें हैं वो आपको दे रहा हूं. आंखों के इसमें जो कि हुआ है मोती का ऑपरेशन, तो इसमें नंबर 0.75 है तो 0.5 दे देंगे. इस आंख में -13 के साथ और 3 नंबर मतलब 16 नंबर माइनस का, ठीक. तो दशमा लगाना है, एक आंख में 0.5 और एक में 16 नहीं चलता. दो आंखें जो हैं एक दूसरे से 4 नंबर का फर्क बर्दाश्त करती हैं बस, नहीं तो कंफ्यूजन करती हैं. लेंस तो लगा हुआ है ना पहले? लगा हुआ है, इसीलिए इसमें नंबर सिर्फ 0.5 आ रहा है, 0.5 आधा नंबर समझिए. और इसमें 16 नंबर, मतलब इसका नंबर 32 गुना ज्यादा है. सर ऐसा होता है ना, ये लेंस तो जैसे 16 नंबर का चश्मा आया है, लेंस क्योंकि आंख में लगता है, इस लेंस में उसमें फर्क होता है ना. हाँ, कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाते हैं इसीलिए चश्मा नहीं दिया जा सकता, कॉन्टेक्ट लेंस लगा के
वो चल रहा है, होना ये चाहिए क्योंकि अब इसमें भी मोती आ गया है जी, और वो रोशनी भी रोक रहा है और नंबर को खराब कर रहा है। तो अगली पहली फुर्सत में इसका मोती का ऑपरेशन करा लेना है। वो आप दिल्ली में कराना चाहें तो दिल्ली में हो जाएगा, अपने वहां कराना चाहें तो करा लीजिए। हमारे वहां सर मैं पहले तो ये स्कीम नहीं थी, पर हुआ वही, हुआ वही था। क्या सेम सर्जन मिल जाएगा? हाँ सर, उन्हीं से कराइएगा। ये वाली आंख अच्छी हुई हुई है, टेक्निक अच्छी है इसमें। नहीं पर्टिकुलर जिसने ये सर्जरी की है उसने अच्छी सर्जरी की है, वो दोबारा भी कर देगा इसमें अच्छी। ठीक है जी, क्योंकि अब इस आंख पे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट, कितने साल से लगा रहे हैं कॉन्टेक्ट लेंस? 15-17 साल हो गए, इसकी मियाद बुरी हो गई। हमारा जो कॉर्निया होता है ना, आमतौर पे हम बच्चों को सलाह देते हैं कि यंग एज में ना अपना शादी वादी से पहले पहले कर लो, शादी को 2-3 साल हो गए बेटा, ससुराल वाले कुछ नहीं कहेंगे, अब चश्मा पहन लो। कॉर्निया हमारा इतने ही सालों तक बर्दाश्त करता है, क्योंकि आरपी वाली पेशेंट में अगर कॉर्निया भी चला गया ना, उसकी क्वालिटी हेज आ गई, तो फिर हमारे पास बचेगा नहीं कुछ भी करने के लिए। तो आप वहां पे अपनी फुर्सत में अभी महीने बाद 10 दिन बाद लेफ्ट आई का कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद फेको, ठीक है कहना जी, जैसा ये किया ऐसा कर दो तो बस काम हो जाएगा। टू कंट्रोल एन आइसोमेट्रोपिया, मैं रीजन भी लिख रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं इसका ऑपरेशन। आमतौर पे हम लोगों को मना कर देते हैं मोतिया सर्जरी में, इतना ही मोतिया होने पे यदि इसमें 16 नंबर ना होता तो मैं मना कर देता कि ये करने की जरूरत उसके है। हाँ एक में हो गया ना, तो फिर दोनों में 16 लगा लेते, हमें दोनों आंखों का बैलेंस चाहिए। इस आंख में सर डर एक लगता है, मैं आपको हाँ। रीजन करूं, जैसे इस आंख में जब हो गया ना ऑपरेशन हाँ। हाँ। उसके बाद में इस आंख में हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम पड़ने में हाँ, हाँ, हाँ। तो इस आंख से तो नजदीक का तो लगेगा ही नहीं, 2.5 नंबर का लगाने के बाद में भी पढ़ने में मुश्किल आती है। इस आंख का कॉन्टेक्ट लेंस खोल के मैं थोड़ा नजदीक लेके आराम से पढ़ जाता हूँ, वो भी खराब हो जाएगा सर। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। अभी क्या है, आपकी दोनों आंखों में कुछ कुछ समस्या है जिससे हम इसे दो आंखों वाला है वो नहीं कर सकते, जोड़े की तरह नहीं कर सकते। और आप 15 साल से कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहे हैं, मैं आपको कैसे इजाजत दूं कि आप इसमें कॉन्टेक्ट लेंस और यूज करें? लेफ्ट आई कैटरेक्ट हल्का है, नंबर 16 ना होता तो हम आपको ऑपरेशन की सलाह नहीं देते। नंबर 16 कंट्रोल हो सकता है लेंस एक्सचेंज, वो जो थोड़ा सा मोतिया एक दो लाइन खा रहा है वो बढ़ जाएगी और नंबर 16 से आधे एक पे आ जाएगा। इस डॉक्टर ने लेंस बहुत अच्छा चुना, लेंस का नंबर बहुत अच्छा चुना, तो बहुत सारी खासियत है। ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद इस आंख में जो जो भी कमी आपको महसूस होती है उसमें से कोई भी कमी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से नहीं है। हाँ वो बात सही है, ये मेरे आंख के पर्दे में और क्या क्या है वो सब है, ये बात सही। तो इसलिए उस आंख के ऑपरेशन कराने में उतना डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों आंखें अलग अलग हैं, इनके स्वभाव बिल्कुल। पहली सलाह देखेंगे अवॉइड कॉन्टेक्ट लेंस यूसेज, क्योंकि अगर इस कॉन्टेक्ट लेंस ने आपकी पुतली खराब की, मान लीजिए कुछ महीने या साल 2 साल बाद आप मुझसे कहेंगे सर मैं तो आपके पास आ रहा था, मैंने तो बताया था मैं 16 साल से, आपने मुझे मना किया होता तो मैं मना कर रोक देता। हालांकि होता पेशेंट के साथ क्या है, मैं जिनको मना करता हूं कॉन्टेक्ट लेंस के लिए वो तो मना होते नहीं, जिनको नहीं करता उनका कॉर्निया खराब होने पर वो सियाने बन जाते हैं। आप कहते तो मैं बंद कर देता, चित भी मेरी पट भी मेरी है ना। तो ये है अवॉइड कॉन्टेक्ट लेंस यूसेज ड्यू टू 15-16 नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस क्यों बंद, ये दो अलग अलग बातें हैं। मुझे आपका कॉन्टेक्ट लेंस बंद करवाना है, कॉर्निया झेल चुका, ये अलग बात है। थोड़ा सा मोतियाबिंद है और नंबर करेक्ट करना है, इसलिए बहुत सारे लोगों में मोतियाबिंद ना होने पे भी क्लियर लेंस एक्सचेंज बोलते हैं, वही ऑपरेशन जो मोतियाबिंद का होता है वही किया जाता है कि भाई इनका लेंस
बदलो और नंबर लाओ जरा एक दो पे 16 की जगह। ठीक है जी, ड्यू टू 15 to 16 ईयर्स यूसेज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस। अब इनकी 15 डेज के लिए लास्ट ओसीटी आपको मैंने देखा है 20, 21, 22 सब हुआ है। आखिरी बार कब हुआ था इन सारे में? अप्रैल, इसी अप्रैल में हुआ है। फील्ड टेस्ट लास्ट कब हुआ था? डेट में इसमें नोट कर लेना ओसीटी लास्ट कब हुआ और वो कब हुआ। ठीक है, तो की मेहमान आज आप हमारे मेहमान हैं तो आप आज यहाँ अच्छे से सब समझ के सब करके जाइए। अब आपको हाँ, तो क्योंकि आपने अभी 4-6 महीने और लग जाएंगे मोती के ऑपरेशन में और तब तक कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल होगा, तो हम आपको एक खास तरह से कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाएंगे उसके ऊपर, इसमें तो प्लेन नंबर दे देंगे ना, नंबर का काम तो हो गया। हाँ। तो जो प्रिज्म ग्लासेस हम देते हैं वो उस तरह से बना के दे रहे हैं आपको, बड़ी मीन मेक से। हाँ हाँ बताया था जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये शुरू कीजिए, दवाइयां शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, चश्मा समय लगना होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी शुरू में? आएगी भी तो मुझे भी आई थी पर मैंने शुरू में पहन लिया, अब मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आएगी। ठीक है, इनका लेके चलिए। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में किसी ब्लाइंड स्कूल जाके पढ़ने की क्षमता, किसी ब्लाइंड स्कूल जाके हफ्ते 10 दिन में महीने में एक बार उन 100 बच्चों को देख लीजिएगा जिन्हें ईश्वर ने शुरू से ही रोशनी नहीं दी, तो आपको तो सारी चीजें। जो बच्चे देर से चश्मा लगाते हैं 2 साल की उम्र के बाद से, ये जो 5 नंबर होता है ना 9 साल की उम्र में, ये पैदाइश से बना होता है, पता ही नहीं चलता ना किसी की जांच हो, उसकी वजह से भी आंख बैठ जाती है और पूरा नहीं देख पाती चश्मे के साथ भी। हाँ 80-90% काम हो जाता है तो हम उसे 100% मान लेते हैं। उसको सुधारने के लिए भी अभी आपको कुछ गैजेट बताएंगे जिसे इस्तेमाल करने से रोशनी बढ़ेगी। वो विजन थेरेपी एम्ब्लायोपिया के लिए भी होती है और वही विजन थेरेपी आरपी के लिए भी होती है। तो आपको 2 बीमारियां ऐसी दी हैं जिसका एक प्रकार का इलाज कराने से दोनों में सुधार होगा। ठीक है जी, संपर्क में बने रहेंगे, बीच में भी कभी भी कुछ संशय हो बात कीजिए फोन पे। अभी आप करीब और आधा घंटा रहेंगे, दवाइयां समझाएंगे, प्रोसेस समझाएंगे। आप आज जाइए मत, आज याद ले ले। हाँ, और फिर भी कोई बात याद आ जाए कुछ हो तो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, हम लोग गले मिलते हैं। बिल्कुल, आरपी वाले पेशेंट से बस, या जो ब्लाइंड हमारे पास जितने भी आते हैं ना, या सेमी ब्लाइंड या जो कुछ भी, उनको हम जरूर बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।